तो क्या होता है कि जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, आई होप सभी को ये विजिबल होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी यूनिट 4 सभी लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। सभी को दिखाई दे रहा है क्वांटम टेक्नोलॉजी यूनिट 4 ऑनलाइन? यस सर ओके। देखिए क्लास क्या होता है कि जब आपने अभी तक हम लोग ने जो बात करी थी वो थी कंक्रीट कैसे स्ट्रेंथ को गेन करती है विद टाइम। ठीक है, क्या होता है कि जब आप एक बार कंक्रीट बना लेते हैं तो उसको प्लेस करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हाइड्रेशन की वजह से वो स्ट्रेंथ गेन करती है हमारी कंक्रीट। और स्ट्रेंथ क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है कि एकदम से बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे विद सर्टेन टाइम, ठीक है, थोड़ा अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो अपनी एक परसेंटेज स्ट्रेंथ गेन करती है। ठीक, वो अपनी एक परसेंटेज एक स्ट्रेंथ गेन करती है। जनरली जो हम लोग कॉन्क्रीट में लेते हैं वो 28 दिन पे लेते हैं, हम लोग ये मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। और कोर्ट्स में भी आपके दिया हुआ, जैसे कि IS 456 में दिया हुआ है कि 28 दिन पे जो हमारी कॉन्क्रीट है वो 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेगी। कितने दिन में? 28 दिन पे, यानी कि 28 डेज पे जो हमारी कॉन्क्रीट है वो 99%, ठीक है, वो 99% स्ट्रेंथ अपनी गेन कर लेगी। इसी उसी के बेसिस पे हम लोग तो टेस्टिंग भी करते हैं आफ्टर 28 डेज। यानी कि मान लीजिए फॉर सपोज हमने N25 की कॉन्क्रीट बनाई, जिसका रेशियो मैं सभी को बता चुका हूँ, उसका रेशियो होता है 1:1:2। 1 क्या है? वहाँ पे सीमेंट है। सेकेंड वन क्या है? वहां पे फाइन एग्रीगेट्स हैं एंड 2 इज द कोर्स एग्रीगेट्स। तो आपने N25 की कॉन्क्रीट बनाई और उसमें आप क्या करोगे, फिर आप उसको प्लेस करोगे तो क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रेशन, यानी जब भी आपकी कॉन्क्रीट सूखती है और उसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन रिलीज होती है तो धीरे धीरे करके वो स्ट्रेंथ गेन करती है। कहाँ पे वो 99% या कितने टाइम के बाद वो 99% स्ट्रेंथ गेन कर देती है? वो 28 डेज, आफ्टर 28 डेज इट गेन्स 99% ऑफ स्ट्रेंथ। तो आप देख पा रहे हैं इसमें लिखा हुआ कि कंक्रीट गेन्स स्ट्रेंथ विद कंटिन्यूड हाइड्रेशन, यानी कि जैसे जैसे अगर लगातार हाइड्रेशन हो रहा है तो वो आपकी जो कंक्रीट है वो स्ट्रेंथ गेन करती रहेगी। द रेट ऑफ गेन ऑफ स्ट्रेंथ इज फास्टर एट स्टार्टिंग एंड द रेट गेट रिड्यूस्ड विद एज, यानी कि जब आपने कंक्रीट को प्लेस किया तो वो क्या होता है, जो रेट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी फास्टर होगा और इसी के कारण जो उसकी स्ट्रेंथ गेन करने की एबिलिटी है वो भी फास्टर होगी। और धीरे धीरे विद टाइम जो उसका जो ग्राफ है, यानी कि स्ट्रेंथ का जो हाइड्रेशन प्रोसेस क्या होता रहता है, कम होता रहता है और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती रहती है। राइट, हाइड्रेशन प्रोसेस धीरे धीरे कम होता रहता है और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती रहती है। हेंस वी अज्यूम 28 डेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एज द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को अगर टेस्टिंग पर्पज से कोई कॉन्क्रीट बनानी है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि 28 दिन का जो उसकी स्ट्रेंथ आती है उसको हम लोग उसकी 99% स्ट्रेंथ अज्यूम कर लेते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे ये देख पा रहे होंगे दैट परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट वेरियस स्टेजेस, स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट इंक्रीजेस विद एजेस, द फॉलोइंग टेबल शोज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट एट डिफरेंट स्टेज। एक दिन पे कितनी स्ट्रेंथ होगी? एक दिन पे स्ट्रेंथ होगी 16% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। फिर वही तीसरे दिन पे कितनी हो जाएगी? 40% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 7 डेज पे 65%, 14 डेज पे 90% और 28 डेज पे कितनी हो जाएगी? 99% आपकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। ये आपको याद करना पड़ेगा कि आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का इस तरह से आ सकता है that what is the percentage strength of concrete after 7 days or 14 days or 28 days। तो आपको इसी तरह याद करना होगा कि 3 दिन पे कितनी स्ट्रेंथ होती है? 40% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। 7 days पे 65%, 14 days पे 90% एंड 28 days पे 99% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ गेन कर लेती है हमारी कॉन्क्रीट। आप जो भी कॉन्क्रीट बनाए, फॉर एग्जाम्पल M20, M50, M25 का कॉन्क्रीट बना रहे हैं तो उसी तरह उसका क्या होगा, वो स्ट्रेंथ अटेन कर लेगी। अब हम लोग बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हार्डन कॉन्क्रीट। अब जब आपकी कॉन्क्रीट प्रिपेयर हो गई तो हम लोग उसको वेरियस टेस्ट करते हैं, यानी कि कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सुरल टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेंथ और उसमें जो टेंसाइल टेस्ट करते हैं, सारे टेस्टिंग हम लोग
कंक्रीट के ऊपर करते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है वो होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसलिए करते हैं क्योंकि जब आप कंक्रीट बना के प्लेस करते हैं उससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी कंक्रीट जो हमारा रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ लोड है वो बेयर कर सकती है कि नहीं। जो हमने कंक्रीट जिस पर्पज के लिए बनाई है, फॉर एग्जाम्पल हमने ब्रिज के लिए बनाई है, रोड के लिए बनाई है, हाउसिंग के लिए बनाई है, तो वो जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ लोड जो हमने कैलकुलेट किया था कि इस पर्टिकुलर कॉन्क्रीट है इस पर्टिकुलर स्लैब के ऊपर आने वाली है, ये उसको बेयर कर लेगी कि नहीं, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यू टेस्ट प्रोवाइड्स एन आइडिया अबाउट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्क्रीट। जितने भी कॉन्क्रीट के कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में आइडिया मुझे पता चलता है इससे। बाय दिस सिंगल टेस्ट वन जज दैट वेदर कॉन्क्रीटिंग हैज बीन डन प्रॉपरली और नॉट, यानी कि कंक्रीट जो आप यूज करिए या आपका जो मिक्स आपने प्रिपेयर किया है वो करेक्ट है कि नहीं है, राइट। तो द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फॉर जनरल कंस्ट्रक्शन वेरीज फ्रॉम 15 MPa टू 30 MPa। कितना स्ट्रेंथ वेरी करना चाहिए, 15 से लेकर 30 MPa तक के वेरी करना चाहिए फॉर कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स। यानी कि आप अगर कोई स्ट्रक्चर कमर्शियल के बना रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज के बना रहे हैं या कोई इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बना रहे हैं, तो जो आपकी कॉन्क्रीट जो आप लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कहाँ से कहाँ तक वेरी करनी चाहिए, 15 से लेकर 30 तक के वेरी करना चाहिए, ठीक है। 15 से लेकर 30 MPa तक के तो उसकी स्ट्रेंथ को वेरी करना चाहिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स सच एज वाटर सीमेंट रेशियो, सीमेंट स्ट्रेंथ, क्वालिटी ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल, क्वालिटी कंट्रोल ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं जो हमारे कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ है, कि हमें पता है कि वाटर सीमेंट रेशियो अच्छा होना चाहिए, एक जो हमारे सीमेंट है वो अच्छी होनी चाहिए, जो उसकी क्वालिटी हम लोग जो उसमें एग्रीगेट्स यूज कर रहे हैं वो भी हमें डिजायर्ड जो हमें यूज करना चाहिए वो हमें उस तरह से आपको एक गुड अमाउंट ऑफ एग्रीगेट आपको यूज करना है। टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कैरिड आउट ऑन अ क्यूब और अ सिलेंडर। देखो हम लोग जब भी कंक्रीट का टेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने 25 कंक्रीट बनाए, ठीक, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको आप मोल्ड, क्या होता है लैब में आप लोग के क्यूबिकल मोल्ड होते हैं, बनाने के बाद आप जो कंक्रीट है उन क्यूबिकल मोल्ड में फिलअप कर दोगे और उसमें वाइब्रेशन यानी कि जो मैकेनिकल वाइब्रेटर्स उसमें वाइब्रेट करके उसमें आप जितने भी वर्क स्पेसेस हैं उनको आप हटा देंगे, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, आप कंक्रीट को सूखने के लिए रख दोगे, यानी कि कंक्रीट आपकी स्ट्रेंथ अटेन करेगी, और उसी के साथ आप उसमें क्यूरिंग प्रोसेस यानी कि आप उसमें एप्लीकेशन ऑफ वाटर, ठीक है, क्यूरिंग हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, दैट एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू कॉन्क्रीट इज कॉल्ड क्यूरिंग। आप उसमें वाटर भी उसमें ऐड कर दोगे या पानी में, उस पानी से उसकी तरी करोगे ताकि वो 28 दिन में अपनी स्ट्रेंथ अटेन कर ले। फिर 28 डेज बाद आप उसकी स्ट्रेंथ को कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन CTM से आप उसको टेस्ट करोगे और फिर आप उसको देखोगे कि वो जो डिजायर्ड स्ट्रेंथ है या जो आपकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो उसको अचीव कर पाया है कि नहीं कर पाया है, और ये आपको टेस्टिंग करनी पड़ती है। टेस्ट फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज कैरिड आउट आइदर ऑन अ क्यूबिकल और सिलिंड्रिकल। वेरियस स्टैंडर्ड कोड रिकमेंड अ कंक्रीट सिलेंडर और अ कंक्रीट क्यूब। क्यूब का साइज कितना होता है, 15 × 15 × 15 cm³ होता है, ठीक, ये उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट है, 15 × 15 × 15 cm एक जो नॉर्मल क्यूब होता है उसका साइज होता है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया निकालने हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि 15 × 15 × 15, और जितना आपने लोड अप्लाई किया, कोई कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन जितना आपने लोड अप्लाई किया तो लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया गिव्स अ कंप्रेसिव टेस्ट यानी कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ दैट क्यूब। अगर आप लोड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया करेंगे तो वहां से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आ जाएगी उस एक पर्टिकुलर क्यूब की। इसी के साथ प्रोसीजर है कि आपको किस तरह से इस टेस्ट को परफॉर्म करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी एक कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन है, आप सभी को डायग्राम विजिबल होगा,
तो सभी को दिख रहा होगा कि ये एक कंप्रेसर टेस्टिंग मशीन होती है। बीच में क्या रखा हुआ है, दिस इज द मोल्ड, ठीक है, दिस इज द क्यूबिकल मोल्ड। ये आप देख रहे हैं, ये जो होता है ये एक मोल्ड है, क्या है, मोल्ड। और ये जो मशीन है, ये जो मशीन है इसको हम लोग बोलते हैं सीटीएम, यानी कि कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन। इससे आप कंप्रेशन देखते हैं कितना आपको कंक्रीट में कंप्रेशन कितना आया है। इसमें आप ट्यूब रख के मशीन को ऑपरेट करें तो उससे आपको पता चलेगा कितना कंप्रेशन एक पर्टिकुलर ट्यूब में आया है। तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कॉन्क्रीट प्रिपेयर करते हैं। कॉन्क्रीट प्रिपेयर करने के बाद जो हमारे क्यूबिकल मोल्ड होते हैं उसमें हम लोग कॉन्क्रीट को पेस्ट करते हैं। फॉर क्यूब टेस्ट टू टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन आइदर 15x15x15 सेंटीमीटर और 10, यानी कि अगर आप वैसे तो स्टैंडर्ड जो साइज होता है वो 15 होता है, लेकिन कहीं कहीं पे जो हमारे 10 सेंटीमीटर के भी क्यूब्स होते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एग्रीगेट्स आर यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द वर्क्स क्यूबिकल मोल्ड्स ऑफ साइज 15x15 सेंटीमीटर आर कॉमनली यूज्ड। दिस कॉन्क्रीट, यानी कि जो आपने कॉन्क्रीट प्रिपेयर करी, इज पोर्ड इन द मोल्ड एंड अप्रोप्रिएटली टेम्पर्ड सो एज टू नॉट टू हैव एनी मोल्ड्स। टेम्पर्ड इन द सेंस कि आप उसमें कॉम्पैक्शन करेंगे। कॉम्पैक्शन के लिए आप कोई भी चीज, जो मैकेनिकल होते हैं मैकेनिकल वाइब्रेटर्स का यूज कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, ट्रे लगी होती है, हम लोग ने डिस्कस भी किया था, उसमें ट्रे लगी होती है, उसके ऊपर आप जो आपके बोर्ड है उसको आप रख देंगे और फिर क्या होती है वो ट्रे वाइब्रेट करती है। वाइब्रेट करने से क्या होता है, कॉन्क्रीट में जितने भी वॉइड्स हैं वो सारे वैनिश आउट हो जाते हैं, वो सारे फट जाते हैं और आपकी जो कॉन्क्रीट है वो एक यूनिफॉर्म आपको कॉन्क्रीट मिल जाती है। This concrete is poured in the mold and appropriately tempered so as to not to have any holes. After 24 hours, molds are removed and test specimens are put in water for cooling. यानी कि 24 घंटे बाद जब आप molds को हटा देंगे आपकी concrete सूख जाएगी, फिर आप उसको क्या करोगे, curing के लिए पानी में एक water tank होता है जिसके अंदर आप रख दोगे और उससे आपकी curing होती रहेगी। The top surface of this specimen should be made even and smooth. अच्छा, ये चीज़ भी देखनी है कि आप जब मोल्ड को निकालें, ठीक है, जो आपके क्यूबिकल मोल्ड होते हैं उसमें से आप अगर क्यूब को निकालें तो ये देखना पड़ेगा कि आपके जो क्यूब है वो डिस्टॉर्ट, यानी कि उसमें कोई भी कहीं से टूट ना जाए, ठीक है। बहुत ही आराम से आपको जो स्क्रूज लगे होते हैं वो उनको खोल के मोल्ड को बाहर निकालना है। तो दिस क्वान्टिटी इज पोर्ड इन द मोल्ड एंड एंडी टेम्पर शुड नॉट है एनी मोल्ड्स। आफ्टर 24 आवर्स मोल्ड्स आर रिमूव्ड एंड द स्पेसिमेंस आर पुट इन वाटर फॉर क्यूरिंग। The top surface of these specimens should be made even and smooth. This is done by placing cement paste and spreading smoothly on the whole area of the specimen. जो भी आपका पूरा कॉन्क्रीट सीमेंट पेस्ट है उसके ऊपर उसमें रख दोगे ताकि एक स्मूथ सर्फेस आपको मिल जाए। फिर टेस्ट करने के लिए दीज स्पेसिमेंट्स आर टेस्टेड बाय कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, जिसको हम सीटीएम के नाम से जानते हैं। आफ्टर 7 days क्यूरिंग और 28 days क्यूरिंग, अगर आप 7वें दिन पे आप इसको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक, तो आपको पता है कि 7वें दिन पे कितनी स्ट्रेंथ आती है, 7वें दिन पे आती है 65%। तो हमें पता है कि M25 यानी कि 25 N/mm², ठीक है, वो लोड उसको, वो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ यानी कि अल्टीमेट स्ट्रेंथ 25 N/mm। तो 25 का अगर आप 7वें दिन पे कर रहे हैं तो 65% ऑफ दैट 25, ठीक है, जो भी वैल्यू आती है वो आपकी 7वें दिन पे आनी चाहिए। अगर इससे कम आ रही है तो दैट मीन्स जो आपने कॉन्क्रीट प्रिपेयर करी है वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे नहीं खड़ी उतरेगी, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वो नहीं अटेन कर पाएंगे, तो फिर से आपको कॉन्क्रीट को बनाना पड़ेगा। लोड शुड बी अप्लाइड ग्रेजुअली एट द रेट ऑफ 140 kg/cm² per minute टिल द स्पेसिमेन फेल्स। लोड एट फेलियर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द स्पेसिमेन गिव्स द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो ये फॉर्मूला हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपको फाइनल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है उसके लिए आप क्या करेंगे, लोड अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया हमें पता है कितना होता है, 15x15x15, और लोड यानी कि लोड कितना, जब भी आप जहाँ पे फेल किया तो उस टाइम पे कितना लोड था वो आपको उस पर स्क्रीन पे आ जाता है। जब ये टेस्ट करेंगे तो वहाँ पे एक स्क्रीन भी लगी होती है, वहाँ पे आपको लोड पता चल जाएगा कितना उस पर लोड लगा है और हम से आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो
आई होप ये चीज सभी के समझ में आई होगी कि कैसे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को परफॉर्म करते हैं और कितने दिन में कितने स्ट्रेंथ अटेन करती है, यानी कि एक दिन पे 16% आपकी स्ट्रेंथ आनी चाहिए। उसी तरह अगर आप 7 दिन के लिए कर रहे हो तो 65% स्ट्रेंथ आना अनिवार्य है। इससे कम आ रही है तो इसका मतलब योर कॉन्क्रीट इज नॉट गुड फॉर कंस्ट्रक्शन, राइट। 28 दिन पे कितनी? 99। ये आपको वैल्यूज याद रखनी है। 1 दिन पे कितनी आती है? 16%। 3 दिन पे कितनी आती है स्ट्रेंथ? 40% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। 7 डेज पे 65% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड 14 डेज पे 90% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। इसी तरह 28 डेज पे मैक्सिमम आती है, दैट इज 99% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जी, सभी को क्लियर है? गेन ऑफ स्ट्रेंथ विद एज। कुछ बच्चे बहुत लेट इसमें आते हैं, इस क्लास में मुस्कान बहुत लेट आई है, आज कुछ बच्चे एब्सेंट भी हैं। सभी को ये चीज क्लियर है? गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कंप्रेसिव कंप्रेशन टेस्ट क्लियर है सभी को? दिवाकर यस सर। ओके, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं जैसे कि अभी मुस्कान आई है और संदीप, बेटा आप लोग टाइम से आया करो, क्योंकि क्या होता है कि 40 मिनट ही 40 मिनट की क्लास होती है, ठीक। और मैंने तो पहले से मैंने शेयर कर देता हूँ, तो आप लोग तो एक्टिव रहा करो और टाइम से क्लास में ज्वाइन हुआ करो ताकि आप कोई चीज़ छूट ना जाए, ठीक है। कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो फ्रेश आप फ्रेश जब शुरुआत से जुड़े रहोगे तो आपको समझ में आएगा, बीच से जुड़ोगे तो वो चीज़ें आपको नहीं समझ में आएंगी और फिर वही होगा कि खुद से पढ़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ये बात ध्यान रखिएगा कि टाइम से आए। जब भी ओके सर। लिंक मैं भेजता हूँ तो मैं पहले ही भेज देता हूँ, इसलिए कि आधे 1 घंटे पहले मैं भेज देता हूँ ताकि बच्चे अवेयर रहे कि हाँ इतने बजे से क्लास शुरू है। उस पर टाइम भी दिया रहता है, जो भी लिंक मैं शेयर करता हूँ उस पर एक पर्टिकुलर टाइम रहता है, तो वो टाइम देख के आपको उसी समय पर ज्वाइन कर लिए। लेट आने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो भी चीज़ें होती हैं मैं 5 मिनट बच्चों का वेट करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स एडअप हो जाए, उसके बाद मैं क्लास शुरू करता हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन करिए ताकि आप कोई चीज़ मिस ना करें। अलार्म सेट कर लिया था आपने। हाँ ठीक है क्लास, तो सर एक चीज आज पूछनी थी सर, जी उसमें बताइए कंप्रेसिव सागर। स्ट्रेंथ की मशीन होती है, उसमें हाँ, जो स्केल कितना होता है मीटर में? उसमें कितना होता है साबिर उसके मीटर में जो रीडिंग ली जाती है तो कैसे कैसे ली जाती है उसमें? बेटा? उसमें एक स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। उसमें स्क्रीन लगी होती है जिसमें आपके जो कितना लोड है उसमें आता रहता है आप। डिजिटल तो होता है सर, हाँ वैसा डिजिटल होती है, डिजिटल। मीटर वाला जो होता है वैसा स्विंग वाला होता है ना पहला? हाँ, डिजिटल होती है, स्क्रीन लगी होती है, इसमें आता रहता है। आप लोग ने शायद जो डिप्लोमा करके आए उन्होंने देखी भी होगी ये चीज़, तो हम सीटीएम मशीन आई होप सभी ने देखी होगी। सर उसमें बॉटम टू टॉप कंप्रेस होता है? बॉटम टू टॉप नहीं होता है, टॉप से बॉटम होता है, ठीक है। टॉप से प्रेशर लगता है उसमें, या नीचे से वो तो आप लगा देंगे, ठीक है, वो हाइड्रोलिकली उसमें प्रेशर जनरेट होता है, ठीक ओके सर। है। जब आप काम करेंगे उस पर तो उस पर और अच्छे से पता चलेगा। तो आज की क्लास में हम लोग ने गेन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट पढ़ा है और कंप्रेसिव टेस्ट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे कॉन्क्रीट को परफॉर्म करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग।
अभी मैं आज के लिए जो यूनिट्स हमने प्रिपेयर करे, जो बच्चे लेट हुए हैं वो उनको मैं भेज दूंगा और मैंने लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, तो लोग यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, ठीक है। जो लेट बच्चे आए हैं वो यूट्यूब पे बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, क्लास आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।